हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर को हैंडल करते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो उस वक्त हमने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी साइट पर या फिर इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां पर आपको कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर का सामना करना ही पड़ता है। तो ये जो कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर है, इसको आपने कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसका सही तरीके से हैंडल नहीं किया या फिर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो उससे होने वाला जो भी बहुत बड़ा हादसा है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इसको हैंडल करते वक्त क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जहां पर भी आप सिलेंडर को ज्यादा समय के लिए रख रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि उस एरिया में जो भी वर्कर्स है या फिर पब्लिक है उनको कोई भी उस सिलेंडर की वजह से खतरा नहीं हो रहा है, ये आपको यहाँ पर इंश्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सिलेंडर को आपको जो भी अच्छा वेंटिलेटेड एरिया है वहीं पर ही स्टोर करना है। ज्यादातर प्रेफर किया जाता है ओपन एरिया में, लेकिन वहां पर स्टोर करते वक्त आपको वेदर कंडीशन से जो है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी सिलेंडर को स्टोर किया गया है तो वहां से फायर की जो रिक्स है या फिर सोर्स ऑफ जो भी हीट है या फिर जो भी इग्निशन है वो काफी दूर होना चाहिए, और उस एरिया में ऐसी कोई भी जो चीज है वो वहां पर स्टोर नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि सिलेंडर को जो है हमेशा जो फर्म लेवल है वहीं पर ही अपराइट पोजीशन में रखना है, और वो जो लेवल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि सूखी सतह होनी चाहिए, उसमें कोई भी होलोज या फिर कैविटीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी लंबी ग्रास हो या फिर वीड्स हो वो भी वहां से रिमूव होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी हम सिलेंडर को स्टोर करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं तो उस वक्त हमने उस सिलेंडर को सिक्योर करना काफी जरूरी है, क्योंकि हमें उसको फॉलिंग होने से प्रिवेंट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सिलेंडर को हमने उस स्टोर में सेग्रीगेट करना है अकॉर्डिंग टू टाइप, यानी कि कुछ जो सिलेंडर वो अगर एम्प्टी है तो उसको हमें सेग्रीगेट करना है अलग से, और जो फुल है उसको भी हमें अलग से सेग्रीगेट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग जो गैसेस है उसको हमें फ्लेमेबल गैसेस से सेपरेट रखना है, और उसमें हमें 6 मीटर की जो दूरी है वो बनाए रखनी है, और हो सके तो वहां पर फायर रेजिस्टेंट जो पार्टीशंस है वो भी करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर सिलेंडर को स्टोर किया गया है तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो है उसको इंस्टॉल नहीं करना है, अनलेस वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता है हजार्ड के लिए एक सुटेबल स्टैंडर्ड से। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि स्टोरेज एरिया में कोई भी सिलेंडर जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी अप्रोप्राइट वार्निंग साइंस है, जैसे कि हाईली फ्लेमेबल हो गया, नो स्मोकिंग हो गया, फुल या फिर इम्प्टी सिलेंडर्स हो गया, तो इसको वहां पर आपको डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सिलेंडर के स्टोर के नजदीक में जो भी सुटेबल फायर फाइटिंग अपरेटस है उसको हमने वहां पर रखना है। खास तौर से ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आप वहां पर रख सकते हो, और इस फायर एक्सटिंग्विशर का रेगुलर इंटरवल में जो है हमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है और उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी सिलेंडर एरिया रिक्वायर है स्टोर करने के लिए कंपाउंड में, तो उसको जहां पर लोकेट करना है तो वो जो है किसी भी बिल्डिंग से, साइड से या फिर पब्लिक एक्सेस जो रोड है उससे कम 3 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। उसकी जो कंपाउंड फेंस है वो कम से कम 2 मीटर हाई होनी चाहिए, और वहां पर 2 एस्केप होने चाहिए, वो भी गेट जहां पर बाहर साइड में ओपन होता है उसके साथ में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जहां पर भी ये नेसेसरी है कि यहाँ पर चोरी हो सकती है इस सिलेंडर की, तो उसके लिए जो है हमें सुटेबल जो भी केजेस है प्रोटेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल करना है। हर एक सिलेंडर के ऊपर एडुकेट जो है वो मार्क होना चाहिए, जैसे कि उसमें आता है मैन्युफैक्चरर्स का मार्क हो गया, सीरियल नंबर हो गया, इसके साथ साथ सिलेंडर जो है कंस्ट्रक्टेड किया है उसका स्पेसिफिकेशंस, उसका इंडिकेशंस, उसको कब मैन्युफैक्चर किया गया था, उसको कब टेस्ट किया गया था, उसका प्रेशर टेस्ट क्या है, साथ ही में उस सिलेंडर का वेट क्या है, उस सिलेंडर के अंदर क्या प्रोडक्ट है, तो ये सारी जानकारी जो है ये इसके ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी गैस सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उस वक्त जो है उसको फिजिकल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करना है। साथ ही में अगर उसमें कोई भी अगर लीक होता है तो उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको भी हमें मिनिमाइज करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सिलेंडर को आपको हाथ से जो है मूव करना है वो भी प्रॉपर सिलेंडर ट्रॉली का इस्तेमाल करके, और वो जो सिलेंडर ट्रॉली है उसको आपको प्रॉपरली सिक्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी आप सिलेंडर को लिफ्ट कर रहे हो तो उस वक्त जो है आपने ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि सिलेंडर का जो वेट है वो काफी हेवी होता है और उसको हैंडल करना वो भी ऑकवर्ड हो सकता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि किसी भी सिलेंडर को मूव करने से पहले उसके साथ में जो भी अटैच इक्विपमेंट है उसको आपको रिमूव करना है, जैसे कि रेगुलेटर्स हो गए, और आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें सेफ्टी कैप जो है वो प्रोवाइड की गई है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि व्हीकल के अंदर में जो भी सिलेंडर्स है उसको आपको प्रॉपरली सपोर्ट देना है, सिक्योर करना है, ताकि जर्नी के वक्त जो है वो जो सिलेंडर है वो मूव ना हो सके। यानी कि वो जो सिलेंडर है वो व्हीकल के अंदर ही पूरी तरीके से होने चाहिए और उसको आपको इम्पैक्ट होने से भी प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सिलेंडर जो है उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है, और उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि उसका जो वॉल है वो क्लोज है और उसमें कोई भी लीकेज नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जिस व्हीकल में सिलेंडर रखे गए हैं तो उस व्हीकल में जो है सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपको वहां पर प्रोवाइड कराना है, खास तौर से ड्राई पाउडर, मिनिमम उसकी कैपेसिटी 2 kg होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि व्हीकल में जब भी आप सिलेंडर को कैरी कर रहे हो तो उस वक्त आपने वहां पर स्मोकिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि व्हीकल के ड्राइवर को जो है लोड के बारे में पता होना चाहिए और उसके पास एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हजार्ड के बारे में, यानी कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है तो उस समय उसने क्या एक्शन लेना चाहिए वो उसको पता होना चाहिए। ड्राइवर को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देना है जो भी वो सेफ्टी इक्विपमेंट कैरी कर रहा है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर है तो उसको हैंडल करते वक्त या फिर स्टोर करते वक्त आपने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।